एक हमारे दोस्त की जान गई, तो ऐसे में कोई राजनीति करने के बजाय कैसे इस तरह के हादसे आइंदा ना हो, हमारा कोई भाई, हमारा कोई साथी किसी की गोली का निशाना न बने, इसके ऊपर सोचना चाहिए, न कि राजनीति करनी। दो दिन बाद पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल समिट होने जा रही है। एससीओ के इस सम्मेलन में भारत, चीन, रशिया और ईरान जैसे देशों के बड़े बड़े नेता इस्लामाबाद में मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सपने अपने मुल्क में उनके सबसे बड़े विरोधी इमरान खान ने इस्लामाबाद में बहुत बड़े प्रोटेस्ट की धमकी दी है। इसका ट्रेलर इस्लामाबाद में पिछले 10 दिनों से नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री इसके लिए भारत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, अपनी ही सरकार को क्यों कोस रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान की हुकूमत से अपना मुल्क संभलता नहीं और बात हिंदुस्तान की करते हैं। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है, जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है। इंटरनेशनल मीटिंग से पहले इस्लामाबाद धुआं धुआं, ठीकरा हिंदुस्तान पर क्यों? उन्होंने कौन सा नाम लिया है इंडिया का? इंडिया का नाम थोड़े लिया है, हमसाया मुल्क का है, हमसाये तो हमारे चार हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें। ये मंदिर आप देख सकते हैं जी, ये मंदिर है जी। पाकिस्तान के पास खाने के दाने नहीं, दावा खुशहाली का, इल्जाम इंडिया पर क्यों? वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं, खुशहाली देखी नहीं जा रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल बैठक के सपने देख रहे हैं और पाकिस्तान में आग लगी हुई है। आजादी छीन के लेंगे, आजादी छीन के लेंगे, आजादी बाप भी देंगे, आजादी। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक के लिए तैयारियां चल रही हैं। और इमरान खान की फौज पूरे मुल्क में बवाल काट रही है। पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? पिछले 10 दिनों से इस्लामाबाद में हंगामा मचा हुआ है। इमरान खान की अपनी फौज शहबाज शरीफ की फौज के सामने डटकर खड़ी है और अब तो 15 तारीख को सबसे बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई है। इस्लामाबाद के डी चौक पर उसका ट्रेलर पहले ही नजर आ गया है। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। इमरान खान जिंदाबाद, नारा तकबीर अल्लाह। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर इस वक्त इमरान के सपोर्टर्स सड़क पर हैं और शहबाज की पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है। शहबाज शरीफ इसलिए परेशान क्योंकि पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट होने वाली है। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। उनके अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी इस समिट में शामिल होंगे। कई और देश के प्रमुख भी एससीओ समिट का हिस्सा होंगे, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है और इसलिए शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है,
जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है। ये पीटीआई को जवाब देना होगा। इमरान खान अभी जेल में बंद है। उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एससीओ समिट के दिन पूरे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की धमकी दी है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों की टेंशन बढ़ा दी है। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से जालस हो रहा है या इंडिया ये जानबूझ के करवा रहा है पीटीआई के साथ मिलके? पीटीआई इसमें नहीं हो सकता, मेरा जाती तजर्बा है। और इंडिया इसलिए करवा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो उसने देखी जा रही है उससे। अच्छा, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा तरक्की। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया जो हालात पाकिस्तान के हो गए ना, इंडिया हमसे बहुत आगे है। उन्हें उनको ना हमसे जलस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो तो हम पे तरस खाते होंगे कि यार ये किधर पहुंच चुके हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग। अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो उन्होंने बस अपना वो जो है क्या कहते हैं एक दुकान चमकाने के लिए जो बयान दिया है, तो वो मेरे ख्याल से कामयाब हो रहा है क्योंकि आवाम उस पर चर्चा कर रही है अब, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं होगी ऐसी। ये तो हमारी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, नॉट के पीटीआई, इंस्टेड ऑफ पीटीआई करवा रही है या कोई भी। ये तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो उस पर बात करें, अदरवाइज उससे पहले ये ब्लेम करना किसी भी जमात पे, ये मैं राइट नहीं समझता। जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया को पाकिस्तान को लेकर जेलस होना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे पास जेलस होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, एससीओ मीटिंग की हम बात करें, एक छोटी सी मीटिंग है, दुनिया भर के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 15 और 16 अक्टूबर। और पाकिस्तान के आप हालात देख लें, कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला हो रहा है, कि मुल्क के हालात खराब करने की कौन कोशिश कर रहा है। ये बात सही है कि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, कराची एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक कार में ब्लास्ट हुआ और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना मुल्क संभलता नहीं है और दुनिया के सामने अपनी खीज मिटाने के लिए भारत को कोसते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऑलरेडी चाहता है कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो खराब हो। अब ये चीज़ें जो हैं, ये इंडियन मीडिया है इसको हाईलाइट कर रहा है कि जी ये हमसाया मुल्क कौन सा है जिसकी मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दें। अब हमसाये में कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, ईरान है, ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ये प्रोटेस्ट इंटरनल प्रोटेस्ट है, अब इमरान खान का ताल्लुक क्या बीजेपी से तो नहीं है कि बीजेपी से है, या इमरान खान को डॉक्टर जयशंकर के कोई दोस्त थोड़े ही हैं, या मोदी साहब के सांगी थोड़े ही हैं, वो तो इंटरनल मसला है। लेकिन क्योंकि मिनिस्टर ने कह दिया कि हमसाया मुल्क, तो इससे वो देखिए हमसाया मुल्क और तरीक़ों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन ये कह देना कि जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, अब इंडियन मीडिया को मौका मिल गया, अब ये एक टेंशन बनी हुई है। पाकिस्तान में एससीओ समिट शुरू होने से पहले दो आतंकी हमले हो चुके हैं। पहला हमला 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के पास हुआ, जिसमें चीन के दो नागरिकों की मौत हो गई। दूसरा हमला 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान प्रांत में एक प्राइवेट कोयला खदान में हुआ, इसमें भी करीब 20 लोगों की मौत हुई है। और पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं और भारत उसकी किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहकर पाकिस्तान के मंत्रियों को भले ही लगता हो कि वो अपने मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद जो है कोई होने लगी है, कोई सर मतलब
कोई हम करवा रहे हैं समिट, कोई कॉन्फ्रेंस, उसमें आप ये कुछ कर रहे हैं, बड़े जाहिर है कि परेशानी वाली बात है। एक मुश्किल निकलती है उसके साथ ही लाइन लग जाती है, एलो जी एवी ले लो, एवी हो रहा है, एवी हो रहा है, तो एवी हो रहा है, कर लो हूं जो करना है, एससीओ करा के बखा दो हूं तुसी। अब आप एससीओ करा ले, वो जो हो रहा है ना इमरान खान की पार्टी के साथ जो वो चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस, उसको रोकने के लिए तो होम मिनिस्टर और पूरे मुल्क की फौज आपने वहां पर लगाई हुई है, अब फॉरनर्स पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे ये बताएं। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, शी जिनपिंग तो मतलब कहां, वो तो मुझे लगता है कोई टेबल शेबल के नीचे घुस गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई मैं नहीं जा रहा हूं, मतलब वो क्या कहेंगे मुझे बताएं, शी जिनपिंग जाएंगे वहां पे, वो कहेंगे मैं कैसे जाऊं वहां पे, तो चाइनीज पे हमले हो रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी कौन करेगा मेक श्योर। खैर मेरा ख्याल है कि चले जाएंगे, नहीं तो पाकिस्तान कहना बहन एक हो रही है, तुसी भी नहीं आ रहे थे डॉक्टर जयशंकर ने कितने आना, फिर वो तो पहले कह रहे हैं क्रिकेट टीम को नहीं भेजना डॉक्टर जयशंकर साहब चले जाएं आप, सर ऐसा ना कीजिएगा कि ये हमले देखकर आप कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की सांसें फूल रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। शहबाज शरीफ, उनके मंत्री और अफसर एक तरफ एससीओ समिट की तैयारी के लिए इस्लामाबाद को सजाने संवारने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुफलिसी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान ने उनकी नाक में दम कर रखा है। इसी की वजह से पाकिस्तान में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी में 10 से 17 अक्टूबर तक सभा या धरने को बैन किया गया है। हंगामे को देखते हुए 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सेवा 3 दिन तक सस्पेंड रहेगी। इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इमरान खान को धरना ही देना था तो पहले दे लेते, बाद में कर लेते, लेकिन जब पूरी दुनिया के नेता इस्लामाबाद में होंगे उसी समय प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? क्या ये पाकिस्तान की इमेज बिगाड़ने का प्लान नहीं है? क्या इसके पीछे किसी और मुल्क की साजिश नहीं है? अगर वो अपनी अंदरूनी जो है सियासत में उलझे रहेंगे और पाकिस्तान के मफादात, इस कौम के मफाद जो है अपनी सियासत के ताबे कर देंगे, फिर तारीख उनको किस तरह याद करेगी? अदलिया की कोई तारीख पाकिस्तान की काबिले रश्क नहीं है। उसी लाइन में, उसी कॉन्टिन्यूटी में फिर इनका भी नाम लिखा जाएगा। ये एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती थी, आए थे, अगर गायब हुए हैं तो खुद गायब हुए हैं। अब पाकिस्तान के लोग, वहां की मीडिया, वहां के पत्रकार खुद कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान में होंगे, इमरान खान के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार उसे दबाने की कोशिश करेगी, तो वही होगा जो पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान में पत्थर चलेंगे, लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी, तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ये एक शंघाई तामन तंजीम इजलास कोई आम इजलास नहीं है, दुनिया भर से डेलीगेशंस आ रहे हैं और अब पता ये चला है कि एक बार फिर धरना होने लगा है, तो वो जो एक आवाज़ लगती है धरना होगा धरना होगा, वो स्टार्ट हो गया है। और इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगर डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि इमरान खान की पार्टी का प्रोटेस्ट एक यलगार है, एक अटैक है जो इस्लामाबाद पर होने लगा है उस वक्त जबकि एससीओ हो रही होगी, तो इसको हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोकेंगे, तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोकना क्या होता है कि वहाँ पर आंसू गैस चलेगी सड़कों पर, डी चौक में एक हंगामा हो रहा होगा,
पूरी दुनिया में फुटेजेस जारी होंगी, रबड़ की गोलियां चल रही होंगी, वहां पर तोपें आई हुई होंगी और जो है वो उनके ऊपर जो है हर तरीके से उनको रोकने की कोशिश हो रही होगी। दूसरी तरफ मुजाहिरीन जो है पत्थर उठा उठा के पुलिस पर फेंक रहे होंगे, वही जो हमें नजर आती हैं, वही वाली जो अभी अभी मतलब मुसलसल तो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, ठीक करेंगे